नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रो मैक्स इन 2B वर्सेस शाओमी रेडमी नोट 11 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो इन 2B में 6.47 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है जो कि इन 2B से कम है। विड्थ की बात करें तो इन 2B में 2.98 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है जो कि इन 2B से कम है। बात करें थिकनेस की तो इन 2B में 0.34 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो इन 2B में 190 ग्राम जबकि Redmi Note 11 4G में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो इन 2B में IPS LCD जबकि Redmi Note 11 4G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इन 2B में 6.52 इंचेस जबकि Redmi Note 11 4G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन इन 2B में 720x1600 और Redmi Note 11 4G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन 2B में 82.63% जबकि Redmi Note 11 4G में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो इन 2B में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो इन 2B में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 4G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो इन 2B में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो इन 2B में माली G52 जबकि Redmi Note 11 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो इन 2B में Unisoc T610 और Redmi Note 11 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो इन 2B में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 11 4G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो इन 2B में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 11 4G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो इन 2B में अप टू 256GB जबकि Redmi Note 11 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो इन 2B में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 8499 रुपीस,
6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11 4G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹13,499, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹14,499, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹15,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो माइक्रोमैक्स इन 2B में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 4G आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा Xiaomi Poco M3 है, तीसरा Xiaomi Redmi 10A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C21Y है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।